नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर ओके ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड एट 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द बॉल। ओके, सो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है टावर, ठीक है, एंड इसकी हाइट गिवन है 20 मीटर। सो ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी, ठीक है, एंड इस टावर की जो हाइट है वो गिवन है 20 मीटर। नाउ यहाँ से एक बॉल है ग्राउंड पे, ठीक है, लेट द सी डिनोट द बॉल, ठीक है, पॉइंट ऑफ बॉल, एंड यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है फ्रॉम पॉइंट ए टू द बॉल, ये गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द फुट ऑफ टावर। ठीक है, सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है एंड इसको हम मान लेंगे एफ। ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ओके, एंड ये एंगल है 60 डिग्री, सो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। अब देखो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90, सो ये एंगल हम आ गया 30 डिग्री, एंड ये है, ये 20 मीटर गिवन है ए बी साइड, ठीक है, एंड इस ट्रायंगल में हमें बी सी साइड निकालना है। सो लेट लेट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड द बॉल इज एक्स मीटर। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, देखो ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें अगर हम 10 30 डिग्री निकालें तो ये होगा बीसी अपॉन एबी। ठीक है, देखो ये होगा परपेंडिकुलर एंड ए होगा बेस, तो ये आएगा बी सी अपॉन ए बी। नाउ 10 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, एंड बी सी के बना है, बी सी हमने लिया है एक्स, ठीक है, एंड ए बी के बना है 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो बी गेट √3x = 20 मीटर एंड एक्स एक्स इज इक्वल टू बी गेट 20/√3 मीटर। ठीक है, एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 11.53, ठीक है, 11.53 मीटर। सो दिस इज द आंसर।